अभी यहाँ पे आप देखोगे फिर से अभी यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, इसको मैं और भी ट्रेल कर दूंगा। दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस आज मैं आपको फुल लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे निफ्टी 50 में इंस्टेंट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, कैसे उसको आप ट्रेल कर सकते हो। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस जैसे आप टीवी धन डॉट को वेबसाइट पर आ जाओगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आपको स्कैल्पर का फीचर्स देखने को मिल जाता है जिसके जरिए आप बहुत ही फास्ट स्कैल्पिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे आपको आना है सेटिंग में, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सेटिंग में आना है, और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे जो इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है इसको आपको ऑन कर लेना है कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अभी गाइस आप इजीली इंस्टेंट स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इंस्टेंट बाय सेल कर सकते हो। सो सबसे पहले यहाँ पे हम चलेंगे ऑप्शन चैन में, एंड यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं मार्केट को बियर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है, और गाइस जो भी वीडियो फुल एक डेमो पर्पज के लिए, जस्ट मुझे आपको दिखाना है कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ना कि बाय और सेल रिकमेंडेशन का, ना यहाँ पे हमारा कोई प्रॉफिट और लॉस का मोटिव है। अभी गाइस यहाँ पे जो 22,200 का पुट ऑप्शन है, चलिए इसी का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं और इसी में आपको इंस्टेंट स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से अभी इसका 20-22 रुपये के आसपास प्रीमियम चालू है, 18 रुपये के आसपास प्रीमियम चालू है, एंड यहाँ पे हम एक लॉट में इसको बाय करेंगे। सो यहाँ पे मैंने बाय पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हमारा पोजीशन कुछ इस तरीके से आ गया है। अभी ये जो भी पोजीशन है इसमें हमें इंस्टेंट स्टॉप लॉस लगाना है। सो आपको जो भी प्राइस का लगाना है उस प्राइस पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे आपको प्लस का आइकन देखने को मिल जाता है, इसी आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेल स्टॉप लॉस का और सेल स्टॉप लॉस लिमिट का। सो यहाँ पे अगर आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है फिर। सो यहाँ पे आपको दोबारा से प्लस आइकन पे क्लिक करना है, एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अभी गाइस इसको आप कैसे ट्रेल करोगे, सो जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ट्रेल करते जाना है, जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे ट्रेल होता जाएगा। और गाइस जो भी स्टॉप लॉस है एक बार आपका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट पहुँच जाएगा। सो यहाँ पे आप कॉस्ट पे भी जो भी स्टॉप लॉस है इसको आप ट्रेल कर सकते हो, और इसके ऊपर भी आप ट्रेल करके रख सकते हो। बस आपको ट्रेल कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जैसे ऊपर का प्राइस आपने स्टॉप लॉस लिमिट वाला प्राइस को अगर आप ट्रेल करते हो तो फिर यहाँ पे आपको नीचे वाला भी ट्रेल करना पड़ेगा, यानी दोनों को आपको साथ साथ ट्रेल करना पड़ेगा। तो वैसे आप इसी तरीके से इंस्टेंट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो भी आपका पोजीशन रहता है एंड जो भी आपका पोजीशन रहता है उसको आप हाईली सिक्योर कर सकते हो। एंड बाकी वैसे यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा ऊपर ट्रेल करूँगा कुछ इस तरीके से, और अभी यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ऊपर निकलने की ट्राई कर रहा है। सो यहाँ पे मैं आपको ऊपर भी ट्रेल करके दिखा देता हूँ। ओके गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसको बाय किया 18.45 पे और प्राइस पहुँच गया 19.50 पे, यानी एक पॉइंट के यहाँ पे मूवमेंटम हो गया है। यहाँ पे गाइस मैंने कम प्रीमियम वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है कम आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। बाकी गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे दोबारा से रिवर्सल आ रहा है इसका, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हिट कर देंगे और भी यहाँ पे ट्रेल कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से निकलने की ट्राई कर रहा है, चलिए हम इसको अभी ऊपर ट्रेल करेंगे कुछ इस तरीके से, इसको भी आपको साथ में लेके चलना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे फिर से अभी यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, इसको मैं और भी ट्रेल कर दूंगा। ओके सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो और भी ऊपर ट्रेल हो रहा है। गाइस यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था हिट हो गया इस लेवल पे जब मार्केट का रिवर्सल हुआ, बट आपको ऐसे ट्रेल नहीं करना रहता है, आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना रहता है, अच्छे से आपको एकदम जो भी आपका स्ट्रेटजी रहता है उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना रहता है। बट गाइस मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था कि आप इंस्टेंट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, सो फुल डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है। एंड बाकी इस प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 42 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट बुक हो गया है। सो यहाँ पे आपको क्लोज पोजीशन भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। सो गाइस आप इसी तरीके से निफ्टी 50 में इंस्टेंट स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो। एंड बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।